और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1674 में आज ही के दिन मराठा साम्राज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था। उन्होंने औपचारिक तौर पर रायगढ़ की गद्दी संभाली थी। छत्रपति शिवाजी को हिंदू परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने फारसी भाषा की जगह मराठी और संस्कृत के प्रयोग पर जोर दिया था। पिता से विरासत में मिली 2000 सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी को छत्रपति शिवाजी ने 1,00,000 सैनिकों की विशाल सेना में बदल दिया था। उनकी सेना गुरिल्ला युद्ध करने में निपुण थी और शिवाजी महाराज को दक्षिण भारत में मुगलों का वर्चस्व और घमंड दोनों तोड़ने के लिए भी जाना जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापकों में से एक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का जन्म वर्ष 1829 में आज ही के दिन ब्रिटेन में हुआ था। 1849 में इंपीरियल सिविल सर्विस में चुने जाने के बाद वो भारत आए। बाद में इंपीरियल सिविल सर्विस को ही इंडियन सिविल सर्विस की भी कहा जाने लगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ह्यूम कई सैन्य कार्रवाइयों में भी शामिल रहे और वर्ष 1882 में रिटायर होने के बाद ह्यूम को लगा कि भारत के लोग बहुत निराश और हताश और कुछ वो करना चाहते हैं। वो चाहते थे कि भारत की जनता को लोकतांत्रिक सरकार मिले, इसलिए उन्होंने 1885 में कुछ दूसरे बड़े नेताओं के साथ मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। एओ ह्यूम 22 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के महासचिव भी रहे। दुनिया को पहली मोशन पिक्चर देने वाले फ्रेंच फिल्मकार लुई लुमिए का निधन आज ही के दिन वर्ष 1948 में हुआ था। लुमिए ने वर्ष 1895 में एक ब्लैक एंड व्हाइट साइलेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी और यह फिल्म 46 सेकेंड की थी। इसे दुनिया की पहली मोशन पिक्चर भी कहा जाता है। अपने भाई ऑगस्ट के साथ मिलकर लुई लुमिए ने सिनेमेटोग्राफ का पेटेंट करवाया था और सिनेमेटोग्राफ एक मोशन पिक्चर फिल्म कैमरा था जिसकी मदद से मोशन पिक्चर्स यानी कि चलचित्र को सीधे स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जा सकता था। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ एक वक्त पर फिल्म को देख सकते थे। और हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता सुनील दत्त का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1929 में हुआ था। फिल्मों में आने से पहले सुनील दत्त रेडियो सिलोन की हिंदी सर्विस के जरिए काफी मशहूर हो गए थे। सुनील दत्त ने वर्ष 1955 में आई फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से अपने करियर की शुरुआत की। सुजाता, मदर इंडिया, वक्त, मुझे जीने दो, मेरा साया और पड़ोसन जैसी मशहूर फिल्मों ने सुनील दत्त को खास पहचान दिलाई। सुनील दत्त 5 बार सांसद भी चुने गए और वो भारत सरकार में खेल और युवा मामलों के मंत्री भी रहे। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त सुनील दत्त के पुत्र हैं। डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। नमस्कार। Z News.